नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। घर में घुसकर मुस्लिम फैमिली पर कर दिया हमला, महिला इशरत अहमद की उसी वक्त हो गई मौत। जी हाँ, अब जो खबर सामने आई उसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला कहाँ का है और क्या है। जी हाँ, इंग्लैंड में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसमे एक मुस्लिम महिला को बहरेमी से मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि महिला के साथ मौजूद पुरुष को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है। दर्शन की रिपोर्ट के मुताबिक 52 वर्षीय इशरत अहमद, उनके साथ मौजूद 55 साल के एक शख्स को रॉबर्ट स्ट्रीट स्थित घर में ही हमला हुआ। इशरत की जहां अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं पीड़ित पुरुष की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि रॉबर्ट स्ट्रीट के एक घर पर शोर शराबे की आवाज आ रही है। जबकि अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वहां बुजुर्ग कपल अधमरी हालत में मिला। पुलिस ने इस संबंध में एक 58 वर्षीय व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जबकि उससे कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई है। डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर अल डेविस ने बताया कि इशरत अहमद की सोमवार को मौत हो गई थी। उन्हें गंभीर रूप से घायल अवस्था में भर्ती कराया गया। हमने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डेविस ने लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें कुछ भी जानकारी हो तो पुलिस को जरूर बताएं। चीफ इंस्पेक्टर अल डेविस ने अफवाह फैलाने की आशंका के मद्देनजर इशरत अहमद के परिवार से कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की पोस्ट ना करें। यदि वो कुछ कहना चाहते हैं तो सीधे पुलिस से बात करें। उन्होंने बताया कि इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। इस वारदात को लेकर इलाके में खौफ है पूरा, खासकर मुस्लिम परिवार बेहद डरे हुए हैं। आपको बता दें, कनाडा में हाल ही में मुस्लिमों के खिलाफ दो वारदातें सामने आई। पहली वारदात में ट्रक ड्राइवर ने पूरी फैमिली को रौंद डाला था। पुलिस जांच में सामने आया था कि आरोपी को मुसलमानों से नफरत थी, इसलिए उसने घटना को अंजाम दिया। वहीं दूसरी वारदात में कनाडा के साथ स्कूटन में एक पाकिस्तानी नागरिक पर दो बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया था। इस हमले से पीड़ित बुरी तरह घायल हुआ था और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। अपराधियों ने हमला करते वक्त ये भी कहा था कि हम तुमसे नफरत करते हैं, तुम अपने देश चले जाओ। अब एक और वारदात कनाडा में हो गई, जिसके बाद चारों तरफ खौफ है। मुस्लिम परिवार बहुत ज्यादा डरा हुआ है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज़।